हेलो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. हो गया हो गया. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो डेमो लेक्चर में आप सबका स्वागत है. आई होप आपने कल एंजॉय किया रहेगा, संडे रेस्ट लिया रहेगा. सो आज मंडे से अगेन अपने को कंटिन्यू करना है विथ चैप्टर वन. ठीक है. और अपन ने सैटरडे जहाँ पे एंड किया था वो था फीचर्स ऑफ इनकम. तो ये पॉइंट आज अपन कंप्लीट करेंगे एंड फिर अपन आगे बढ़ेंगे. थोड़ा इंटरनेट का इशू आ रहा है, सो थोड़ा स्ट्रीमिंग में इशू आ सकता है. सो काइंडली कोऑपरेट विथ मी. फटाफट सब लोग गुड मॉर्निंग बोलो सो दैट वी कैन गो अहेड. चलो हो गया. चलो गुड मॉर्निंग फटाफट. उज्जवल कुमार मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? भूमिका गुड मॉर्निंग, भक्ति गुड मॉर्निंग. चलो आगे बढ़ते हैं. प्रांजल अभिषेक सुषमा गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग. चलो सो कल अपन ने यहां तक कंप्लीट किया था, कल अपन ने यहां तक पूरा कंप्लीट किया था. आज आगे बढ़ते हैं. अच्छा, कल से अपन स्टार्ट करेंगे टैक्स कैलकुलेशन. पूरा थ्योरी आज कंप्लीट हो जाएगा. फ्रॉम टुमारो विल बी एबल टू स्टार्ट जो आपका मेन एरिया है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, कल से स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. चलो चंद्रलेखा, तुम टैक्स के ग्रुप में नहीं हो, ठीक है. तुम मेरे को व्हाट्सअप करो, मैं तुमको लेक्चर के बाद लिंक शेयर करता हूँ एंड तुम ज्वाइन हो जाओ. चलो आज का पहला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8. अच्छा, पढ़ क्या रहे फीचर्स ऑफ इनकम. उसमें 7 पॉइंट अपन ने ऑलरेडी कवर किए हैं कल, जिसका रिवीजन भी हो चुका है. नाउ लमसम रिसिप्ट, इसका मतलब यह है कि इनकम टैक्स में ऐसा बोला है कि आपको इनकम मंथली मिले या लमसम मिले, इनकम इनकम ही होगा, उससे कुछ फर्क नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल आप सैलरीड हो, सैलरीड के लिए हर मंथ सैलरी मिलता है. कंपनी ने कहा कि इस बार हम सैलरी आपको पूरे एक साल का एक साथ देंगे तो भी वो इनकम माना जाएगा. सो इनकम टैक्स में कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपको इनकम इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है या लमसम मिल रहा है. तुमको मिला तो हमको भी चाहिए. ये जिसको समझ में आ गया उसको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी. देन नेक्स्ट इज रीइंबर्समेंट. नाउ दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. मिली सूर्यवंशी, टैक्स का अलग ग्रुप नहीं है, वो पहले वाले ग्रुप फुल हो गए इसलिए नया ग्रुप बनाया है. तो जो लोग नए ग्रुप में नहीं है उनको हम ऐड कर रहे हैं. सो तुम टेंशन मत लो. हाँ, नाउ व्हाट इज रीइंबर्समेंट, ध्यान से सुनो. अभी अपन एग्जांपल लेंगे. अरे बाबा, आप लोग काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. मैंने एक बात बता दी तो आप अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. आपने व्हाट्सएप के जो ग्रुप है वही ग्रुप है, वो ग्रुप फुल हो गया है. तो जो कुछ स्टूडेंट ऐसे कि जो तीनों ग्रुप में नहीं है उनको हम लिंक भेज रहे टू सो दैट दे कैन बी पार्ट ऑफ दैट फोर्थ ग्रुप. तो कुछ भी नया टैक्स के लिए अलग ग्रुप अभी तक नहीं बनाया गया, सबके लिए एक ही ग्रुप रहेगा, एक क्लास एक ग्रुप. ठीक है. सो देर विल नॉट बी सेपरेट ग्रुप फॉर टैक्स एंड कंपनी लॉ, एक ग्रुप में सब जुड़े रहेंगे. ओके, नाउ
है ना, मैंने एक शब्द बोल दिया ना, आप उसका पूरा बर्बाद कर देते हो शब्द को, है ना। मेरे को डर लगता है अभी आपके कोई डाउट सॉल्व करने में भी, क्योंकि मैंने एक बोल दिया ना तो हर एक स्टूडेंट अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकालता है। हाँ, रीइंबर्समेंट। अच्छा, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस इज नॉट एन इनकम। क्या बोला लॉ में? रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज नॉट एन इनकम। अभी मैं आप सबको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। लेट से अपन एग्जाम्पल, यहाँ पे कौन दिख रहा है मेरे को लाइव? भूमिका एंड सारंग, ठीक है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेट से क्लास का ट्रिप जा रहा है, ठीक है, एंड भूमिका ने 1000 रुपये उसके भर दिए, और सारंग ने बोला कि भूमिका तुम मेरे 1000 रुपये भर दे, इसलिए भूमिका ने सारंग के भी 1000 रुपये भर दिए। सो इन टोटल भूमिका ने 2000 रुपये पे किए, एक खुद का और एक सारंग का। बाद में क्या हुआ है, सारंग ने भूमिका को 1000 रुपये दे दिया। क्वेश्चन है, ये जो 1000 रुपये भूमिका को मिला है, ये उसका इनकम नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने जो पहले खर्च किया वही उसके पास आया है। शी पेड ऑन बिहाफ ऑफ सारंग एंड वही उसको मिला है, तो उसको बोलते हैं रीइंबर्समेंट। तो रीइंबर्समेंट को कभी इनकम नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड जितना पैसा खर्च किया उतना ही रीइंबर्स किया है। अगर ऐसा होता है कि भूमिका ने 1000 रुपये खर्च किया एंड उससे 1100 रुपये लिए, तो 100 रुपये भूमिका का इनकम माना जाएगा, ठीक है। तो यह है रीइंबर्समेंट। आगे लीगैलिटी। नाउ व्हाट इज लीगैलिटी? इनकम टैक्स का कहना है कि लीगल हो या इलीगल इनकम, तुमको मिला तो हमको भी चाहिए। तो अब टीवी में देखो, पेपर में ऐड पढ़ते ना कि इनकम टैक्स ने छापा डाला, 2 करोड़ रुपए कैश मिल गया, 2 करोड़ का इनकम मिल गया जिस पे आपने टैक्स नहीं दिया था, इलीगल इनकम था। तो इलीगल इनकम पे भी गवर्नमेंट टैक्स वसूल करेगा, लीगल हो या इलीगल, तुमको मिला हमको भी चाहिए। देन डबल टैक्सेशन, सेम इनकम कैनॉट बी टैक्स ट्वाइस। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मेरा एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें मैं सचिन तेंदुलकर एंड माइकल शूमाकर, हम 3 लोग पार्टनर्स है, ठीक है। तो हमको बिजनेस में 1 करोड़ रुपए का फायदा हो गया तीनों को मिलके, और हमने उस पर इनकम टैक्स भर दिया। इनकम टैक्स भरने के बाद जो भी बचा हुआ इनकम है, जो बचा हुआ इनकम है, हम तीनों में डिवाइड हो गया इक्वली, ठीक है। मैं सचिन तेंदुलकर, माइकल शूमाकर, ठीक है। तो ये जो इनकम तीनों में डिवाइड हो गया ना, इसमें हम इंडिविजुअल लेवल पे टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये इनकम फर्म के हाथ में टैक्स हुआ है, करेक्ट ना। और वो टैक्स पे करने के बाद जो बचा हुआ इनकम है वो हम तीनों में डिवाइड हुआ है, तो उसमें हम अगेन टैक्स नहीं देंगे। तो एक इनकम दो बार टैक्सेबल नहीं होगा, इसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन। देन इनकम बाय म्यूचुअल एक्टिविटी। नाउ व्हाट इज इनकम बाय म्यूचुअल एक्टिविटी, मैं बताता हूँ, सुनो। जैसे यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स है एंड आप सब 100 स्टूडेंट्स हो, एज्यूम करो कुछ लोग सीए कर रहे हैं, कुछ सीएस कर रहे हैं, कुछ सीएमए कर रहे हैं, तो अलग अलग बट तीनों रिलेटेड फील्ड ही है। तो आप तीनों ये कोर्स कर रहे हो, तीनों मतलब सब स्टूडेंट, आपका आपने ग्रुप बनाया 100 स्टूडेंट का, एंड आपने क्या किया, हर एक स्टूडेंट से 1000-1000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन लिया। तो एक ग्रुप में 100 स्टूडेंट्स हो गए, एक ने 1000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, सो 100 इंटू अगर 1000 करेंगे तो 1 लाख रुपये जमा हो गया कॉर्पस। उस 1 लाख में से अपन ने अच्छे अच्छे स्पीकर्स को बुलाया जिन्होंने आपको लॉ पे, टैक्सेशन, अकाउंट्स, इकोनॉमिक, फाइनेंस, उस पर उनका प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर किया, जो सभी 100 लोगों को उसका फ़ायदा हो गया, है ना। तो उस पर खर्च हुआ 90,000 रुपया, तो 1 लाख रुपये आप सबका कलेक्ट हो गया। आपने उस इवेंट में 90,000 खर्च किया, बचा हुआ 10,000 जो है अगेन आपने बच्चों में बांट दिया, 100 बच्चों में 10,000 रुपये, मतलब अगेन एक एक को 100 रुपये वापस आएगा। तो ये जो 100 रुपये आपको वापस आएगा ये आपका इनकम नहीं माना जाएगा, इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम म्यूचुअल एक्टिविटी। तो आपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए पैसा जमा किया, उसमें से अच्छे अच्छे सेमिनार ऑर्गेनाइज किए ताकि आप सबका प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको मिले इंडस्ट्री का, एंड जो बचा हुआ पैसा है वो अगेन बच्चों में बांट दिया, क्योंकि जिससे लिया तो उसको अपन ने वापस दे दिया। तो ये है, जब बच्चों को 100-100 रुपये वापस मिलेगा ये आपका इनकम नहीं मिलेगा, तो वही आप लिखा है। देखो, इन दिस रिगार्ड इट शुड बी नोटेड दैट इन केस ऑफ म्यूचुअल एक्टिविटी वेयर सम पीपल कॉन्ट्रीब्यूट टू द कॉमन फंड, सम पीपल मतलब आप सब स्टूडेंट, एंड आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द फंड्स एंड सरप्लस अराइजेस विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द फंड्स, सच सरप्लस कैनॉट बी टर्म एज इनकम, ये आपका इनकम नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये बाद में पढ़ते अपन, दिस इज पेंडिंग,
ये पॉइंट मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बाद में पढ़ाऊंगा। आजेश का क्वेश्चन है सर, इलीगल इनकम पे कितना टैक्स लगेगा? जिस कैटेगरी के तुम पर्सन हो उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। सो फॉर लीगल एंड इलीगल इनकम, इनकम टैक्स रेट सेम होते हैं बट पेनल्टी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लगता है, जो अपन सिलेबस के एंड में पढ़ेंगे कि कितना पेनल्टी आपको देना पड़ता है। देन पॉइंट नंबर 13 क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। देखो एग्जाम्पल देता हूँ क्या है पॉइंट नंबर 13 का। लेट से आप सबका ज्वेलरी शॉप है, इमेजिन करो आप सबका ज्वेलरी शॉप है, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे को देख रहे हैं सबका, आपने डिसाइड किया कि ये ज्वेलरी शॉप बंद करके कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है? तो आपने शॉप की ज्वेलरी बेचना स्टार्ट कर दिया, अभी कुछ 5-6 ऑर्नामेंट्स बाकी थे। अभी ज्वेलरी बहुत एक्सपेंसिव रहता है, तो जब भी कस्टमर आता है उसको 1000 वैरायटी देखने का रहता है। अभी आपको होता है कि ये 5-6 वैरायटी बाकी है, करेक्ट ना, और वो कोई लेगा नहीं, तो आपने क्या किया, ये जो आपका इन्वेंट्री था, आपके लिए ज्वेलरी इन्वेंट्री है, आपने आपके घर वालों को दे दिया, मॉम को दे दिया, डैड को दे दिया, ब्रदर को दे दिया, सिस्टर को दे दिया, आपके किसी खास पर्सन को दिया, वही जॉब सोच रहे हाँ उसको भी दे दिया, तो आपने ये ज्वेलरी सबको फ्री में दे दिया। तो आपने ये ज्वेलरी लोगों को जो बांट दिया है, करेक्ट ना, तो उस दिन का उस ज्वेलरी का जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा, उस ज्वेलरी का जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा वो आपका इनकम माना जाएगा, करेक्ट ना। तुमने फुकट दिया बट सामने लगा तो फायदा हो गया, एंड तुम्हारे लिए वो इनडायरेक्टली सेल हो गया, तुम्हारे लिए क्या हो गया, सेल हो गया, तो आपके लिए वो इनकम माना जाएगा, ओके। एंड इसका ज़्यादा डिस्कशन पीजीपीपी में होगा जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। एंड सामने वाले के लिए वो गिफ्ट माना जाएगा जिसको मिला है, उसके लिए चैप्टर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ओके। तो ये इसका फर्दर ट्रीटमेंट क्या होगा ये पीजीपीपी एंड अदर सोर्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा दोनों की तरफ से। अभी इतना ध्यान में रखना ये इनकम के डेफिनेशन में आता है, उसको जो फेयर मार्केट वैल्यू है, जिस दिन आपने सामने वाले को ज्वेलरी दिया फुकट में, वो आपके इनकम में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। यस अजेश, इलीगल इनकम पे भी टैक्स आता है। नेक्स्ट पिन मनी। व्हाट इज पिन मनी, ध्यान से सुनना। आप में से जिन लोगों की मॉम हाउसवाइफ है, जिन लोगों की मॉम क्या है, हाउसवाइफ है, ओके, मेरी मॉम भी हाउसवाइफ है, ठीक है ना, तो आपके जो डैड है वो अभी पैसा अर्न कर रहे हैं, मॉम को घर खर्च के लिए दे रहे हैं, तो ये मॉम को जो पैसा मिलेगा डैड से उसको बोलते हैं पिन मनी। पिन मनी मतलब अमाउंट रिसीव फ्रॉम हस्बैंड, ओके, फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, करेक्ट ना। तो हाउसवाइफ जो है उनको हस्बैंड से पैसा मिलेगा घर खर्च के लिए, तो ये जो पैसा मिल रहा है उसको बोलते हैं पिन मनी। ये जो पैसा मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं, पिन मनी बोलते हैं। क्वेश्चन ही इनकम माना जाएगा क्या, नहीं, लॉजिकली लगाओ ये इनकम नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपके फादर जो है उन्होंने ऑलरेडी इनकम पे टैक्स दिया है, एंड उसी इनकम में से कुछ पर्सन मॉम को दिया जा रहा है, तो ये पिन मनी मॉम के हाथ में इनकम नहीं है, लेकिन मॉम कैसी होती है आप सबको पता है, वो उसमें से भी पैसा बचाती है। तो मॉम ने कुछ पैसा बचाया, उसका बैंक में FD किया, उस बैंक FD से जो इंटरेस्ट मिलेगा ना उसको इनकम माना जाएगा, वो यहाँ पे लिखा है। सो पिन मनी इज नॉट इनकम, बट उस पिन मनी में से जो मॉम ने पैसा बचाया है उसमें से उनको जो इंटरेस्ट मिलेगा ना वो उनका इनकम, वो इनकम माना जाएगा। बस इतना ही इसमें दिया है, एक बार पढ़ के इसको छोड़ देना है, इस पर कोई क्वेश्चन मत पूछना, एकदम सिंपल है, एग्जाम में नहीं आएगा, बट नॉलेज के लिए सिलेबस में दिया है, तो मेरा काम है आपको पूरा ओवरव्यू देना। देवेश, ये लॉ तुम्हारे मेरे हिसाब से नहीं चलता है, इनकम टैक्स में अगर बोला है कि आपको टैक्स देना है तो देना ही पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट अवार्ड, आपको जो अवार्ड मिलते ना उसको भी इनकम माना जाएगा। यस, जैसे IPL में मिलता है ना बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द मैच, तो आपको 1,00,000 रुपये मिलता है, वो बड़ा चेक मिलता है, तो ये अवार्ड को भी इनकम माना जाएगा। देखो मैं आप सबको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, मैं इनकम क्या है ये बता रहा हूँ, उस पर टैक्स आएगा कि नहीं आएगा वो अपन बाद में पढ़ेंगे। तो जिन लोगों का क्वेश्चन है रिगार्डिंग टैक्सेशन, यू आर आस्किंग मी रॉन्ग क्वेश्चन। मैं किधर भी नहीं बोल रहा कि वो टैक्सेबल होगा, मैं बता रहा हूँ कि ये इनकम होगा। हाँ, वो टैक्सेबल होगा कि नहीं वो रिस्पेक्टिव चैप्टर में उसके लिए एग्जेम्पशंस दी है, तो अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा तो वो टैक्सेबल होगा। सो प्लीज डोंट आस्क मी क्वेश्चन ऑन टैक्सेशन एस्पेक्ट,
क्योंकि अपन वहाँ तक अभी पहुँचे नहीं है, ठीक है ना। मैं जस्ट डिफाइन कर रहा हूँ कि इसको इनकम माना गया है, तो अगर ये इनकम है तो फिर आगे जाके दो पॉसिबिलिटीज, अगर एग्जेम्पशन दिया है तो टैक्स नहीं आएगा, एंड अगर एग्जेम्पशन नहीं दिया तो टैक्स आएगा। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा टिल 8 चैप्टर, तो अगले जो 7 चैप्टर है उसमें आपको सब क्लैरिटी आ जाएगी। सो प्लीज़ डोंट आस्क मी क्वेश्चन ऑन टैक्सेशन टैक्सेशन एस्पेक्ट। नेक्स्ट, केबीसी में जो इनकम मिलता है वो टैक्सेबल है। नेक्स्ट, एम्बेजलमेंट। नाउ एम्बेजलमेंट का मतलब क्या होता है बताता हूँ। लेट से आप घूमने के लिए कहीं पे जा रहे हो घर से, ठीक है, एंड आपको रास्ते पे 2000 रुपये का नोट मिला, तो अपन क्या करेंगे, 2000 का नोट उठाएंगे, पहले ऊपर देखेंगे, अगर किधर सीसीटीवी कैमरा है तो उधर रख देंगे, एंड सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो आप क्या करोगे, आपको पता है, हाँ वही जो आप सोच रहे, आप समझदार हो, तो आपने अगर पैसा आपके पास रख दिया तो गवर्नमेंट ने बोला कि तुमको मिला तो हमको भी चाहिए, तो इस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये गवर्नमेंट को कोई बताएगा नहीं, अगर किसी ने बताया, कोई अगर राजा हरिश्चंद्र निकला कि जो ऐसे बताएगा मेरे को पैसा मिला है फुकट में, तो ही टैक्स आएगा, करेक्ट ना। तो मैं आपको इनकम का डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने दिखाया नहीं तो टैक्स आएगा नहीं, बट लीगली ये इनकम में कवर्ड है, एंड ऑफिशियली यू शुड पे टैक्स। इफ़ यू डोंट पे एंड इफ यू गेट कॉट, देन आपको पेनल्टी लगेगी, ठीक है ना। तो इंडिया में ध्यान रखना, मैं आपको लाइन बताता हूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सी, मैं आपको एकेडमिक्स पढ़ा रहा हूँ कि ये इनकम है और इस पर टैक्स आएगा, अभी दिखाना है नहीं दिखाना है आपकी मर्जी है, करेक्ट ना। तो जब तक आप पकड़े नहीं जाते हो तब तक आप इनकम टैक्स में भगवान हो, एंड जिस दिन आप पकड़े गए उस दिन आप चोर बन जाते हो। तो मैं क्लाइंट को बोलता हूँ कि चोरी करना पाप नहीं है, इंडिया में पकड़ा जाना पाप है। तो जिस दिन तुम पकड़े जाओगे ना उस दिन गवर्नमेंट तुम्हारी बैंड बाजा बारात निकालेगी, हाँ पूरा रिकॉर्ड निकालती है फिर वो, करेक्ट ना। तो जब तक पकड़े नहीं गए तब तक तुम कुछ भी करो, क्योंकि लोग पूछते हैं सर आप ये पढ़ाते हैं बट प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या, वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है, ये लॉ बोलता है अभी फॉलो नहीं करना ये इंडिविजुअल चॉइस है। पकड़े गए तो फिर बैंड बाजा बारात एक साथ गवर्नमेंट निकालता है। देन इम्बर्जमेंट का मतलब रिचा, अभी जो मैंने कहा ना वही कि तुम रस्ते से जा रहे थे तुमको 2000 रुपये मिल गया और वो तुम्हारा इनकम है, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है बस। नेक्स्ट, कॉन्टिंजेंट इनकम। कॉन्टिंजेंट इनकम पे टैक्स एक्सेप्ट, कॉन्टिंजेंट मतलब एंटिसिपेटेड इनकम, उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। गिफ्ट, गिफ्ट को भी इनकम माना जाएगा, करेक्ट ना। और गिफ्ट कौन से चैप्टर में आता है लिखो वहाँ पे, चैप्टर 8, रिफर चैप्टर 8। तो आपको चैप्टर 8 तक वेट करना पड़ेगा, आपके मन में जो धड़ाधड़ नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं ना, खुद को बोलना है कंट्रोल। तो दो ऑप्शन है, आइदर यू वेट टिल चैप्टर 8 या यू कम डाउन टू माई ऑफिस, आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, दो ऑप्शन आपके पास है। तब तक मैं जितना पढ़ रहा हूँ तब तक पढ़ लो, जिनके लिए दोनों पॉसिबल नहीं है। गिफ्ट में ऐसा बोला है कि अगर 50,000 रुपये का अगर गिफ्ट है, कितना है 50,000 रुपये के ऊपर गिफ्ट मिलता है तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, फिर वो पर्सनल गिफ्ट क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी लेट से यहाँ पे अपन एग्जाम्पल लेंगे, प्रांजल का एग्जाम्पल लेंगे। लेट से प्रांजल का बर्थडे है, तो प्रांजल को उनके दोस्तों ने गिफ्ट दिया है सबने मिलके, एंड अगर वो अमाउंट 50,000 के ऊपर है या इवन इफ इट इज सेम काइंड 50,000 के ऊपर है तो प्रांजल को टैक्स देना पड़ेगा, करेक्ट ना। तो 50,000 तक गिफ्ट एग्जेम्प्ट है, लेकिन 50,000 के ऊपर अगर है तो उस पर टैक्स देना पड़ता है। उसमें बहुत सारे एग्जेम्पशन से, बहुत सारे कंडीशन से, नो वन विल आस्क मी क्वेश्चन ऑन दैट, यू विल वेट टिल चैप्टर 8। नेक्स्ट, यस प्रांजल, वो रीइंबर्समेंट है, आपने जो खर्च किया वो आपको अगर वापस मिलता है तो उसको रीइंबर्समेंट माना जाएगा, उस पर टैक्स नहीं आएगा। नाउ आपको जो गवर्नमेंट से सब्सिडी या ग्रांट मिलता है उसको भी इनकम माना गया है। देखो, एनी असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, ग्रांट, कैश इंसेंटिव, ड्यूटी ड्रॉबैक, वेवर, कंसेशन। अच्छा, अभी ये ड्यूटी ड्रॉबैक जो है ना, ये आपके लिए नया वर्ड है। ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब है जब आप गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो, जब आप गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो ना, तो उस पर कुछ ड्यूटीज टैक्सेस अगर लगते हैं तो उसका आपको रिफंड मिलता है, उसको बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक।
दिस इज इन रिलेशन टू एक्सपोर्ट, इससे ज्यादा कुछ भी क्वेश्चन मत पूछना। बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, गवर्नमेंट ने बोला है कि उसका नाम कुछ भी हो, तुमको जो भी सब्सिडी मिलेगा, ग्रांट मिलेगा, ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, वो कैश में मिले, काइंड में मिले, वो तुम्हारा इनकम माना जाएगा। वेदर रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और एनी बॉडी और एनी एजेंसी, इंडिया में कोई भी आपको सब्सिडी दे वो आपका इनकम माना जाएगा। रिसीव्ड इन कैश हो या काइंड हो, इनकम माना जाएगा। वेदर सब्सिडी इज गिवन फॉर डे टू डे ऑपरेशन और फॉर द सेटिंग अप ऑफ न्यू यूनिट्स, मतलब एग्जिस्टिंग बिजनेस चलाने के लिए मिले या नया बिजनेस करने के लिए मिले, तुमको मिला तो हमको भी चाहिए। ये प्रोविजन जिसको समझ में आ गया ना, उसको मैं जो पढ़ा रहा हूँ फटाफट समझ में आ जाएगा। प्रीति जैन, शायद तुमने लेट ज्वाइन किया है, मैंने थोड़ी देर पहले डबल टैक्सेशन में यही एग्जांपल रिपीट किया था, वो वीडियो वापस एक बार देख लेना। हाउएवर सब्सिडी ग्रांट रिइंबर्समेंट विच इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, अच्छा ये पॉइंट अभी पेंडिंग रखो, ये पॉइंट अभी पेंडिंग रखो, इसके ऊपर ये अपन पीजीपीपी में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट, सब्सिडी और ग्रांट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ कॉर्पस ऑफ अ ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम। यस प्रांजल, गैस सिलेंडर का जो सब्सिडी है वो भी इनकम माना जाता है, बट लोग दिखाते नहीं, प्रॉब्लम वो है, अमाउंट बहुत छोटा रहता है ना, लोग दिखाते नहीं तो ये प्रॉब्लम है। हाँ देखो, अभी लास्ट पॉइंट वाला सब्सिडी टैक्सेबल है, उसको इनकम नहीं माना जाएगा। ऊपर के सभी पॉइंट्स को सब्सिडी माना जाएगा, एक ही इनकम को सब्सिडी नहीं माना जाएगा। कौन सा? देखो, रिसीव्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दिया, और सब्सिडी किसको दिया है? ऐसा कोई ट्रस्ट है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही बनाया है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने ही बनाया है, तो उसको अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देता तो उसको इनकम नहीं माना जाएगा। मतलब क्या बोला है, सब्सिडी देने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिनको मिलना है वो या तो ट्रस्ट है या तो इंस्टीट्यूशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है या स्टेट गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है, तो उनको जो पैसा मिलेगा वो उनका इनकम नहीं माना जाएगा। ये तो क्या होगा, देखो लॉजिकली, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ 100 रुपया, और उससे मैं ही आपसे 10 रुपये टैक्स ले रहा हूँ, तो कुछ मतलब नहीं ना, फिर 90 रुपये देना बेटर है। मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूँ एंड मैं उसमें से टैक्स ले रहा हूँ, देने वाला मैं ही हूँ और टैक्स भी मैं ही कलेक्ट करता हूँ, तो मतलब ही नहीं है ना। तो इसलिए बोला है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इन दो लोगों को अगर सब्सिडी दे रही है, मतलब इन दो लोग, मतलब जो ट्रस्ट या जो इंस्टीट्यूशन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है, तो उनके लिए इनकम नहीं माना जाएगा। बस, तो ये डेफिनेशन ऑफ इनकम एक बार पढ़ के रखना, इसके ऊपर आ गया तो एक आधा क्वेश्चन आता है। भूमिका, गवर्नमेंट से जो स्कॉलरशिप मिलती है वो एग्जेम्प्ट है, वो चैप्टर 3 में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। एजुकेशन स्कॉलरशिप इज एग्जेम्प्ट, नो नीड टू पे टैक्स, दिस विल कवर इन चैप्टर 3। भूमिका मैंने आंसर दिया है कि एजुकेशन स्कॉलरशिप है तो एग्जेम्प्ट है, बाकी सब टैक्सेबल है। चलो, ये एग्जाम्पल आप दोनों पढ़ लेना घर पे। नाउ अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ इनकम वर्सेस डाइवर्जन ऑफ इनकम। मैं खाली इसका आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ, ये पढ़ना आपको घर पे है। चलो, अभी मैं दो स्टूडेंट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसमें से दो स्टूडेंट है, लेट से अच्छा डोनेशन का पॉइंट छूट गया, ओ आई एम सॉरी। अच्छा, डोनेशन जो मिलता है उसको भी इनकम माना गया है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका रिजल्ट आता है ना एग्जीक्यूटिव का, जैसे पुणे में दगड़ूशेठ हलवाई बहुत फेमस है, तो बच्चे वहाँ पे जाते हैं, भगवान के साथ बार्गेनिंग करते हैं कि भगवान अगर हम बोध ग्रुप क्लियर हो गए तो हम 1000 का अभिषेक करेंगे, एक ग्रुप क्लियर हो गए तो 500 रुपये का अभिषेक करेंगे, या फिर अपन कुछ डोनेशन देंगे ट्रस्ट को, तो वो ट्रस्ट के लिए वो इनकम माना गया है। वो ट्रस्ट के लिए क्या माना गया? इनकम। सो डोनेशन को भी इनकम माना जाएगा, बट अगेन मैं बार बार बता रहा हूँ, आप इसको टैक्सेशन से मत जोड़ो। इनकम मानने के बाद दो पॉसिबिलिटीज है, या तो टैक्सेबल होगा या तो नहीं होगा, बट ये समझने के लिए आपको चैप्टर 8 तक रुकना पड़ेगा। चैप्टर 8 तक पूरा इनकम का आपको थीम समझ में आएगा। तो दोस्तों, ये थोड़ा बहुत बड़ा लॉ है,
तो थोड़ा पेशेंस रखो, बट आपके डाउट एकदम जेन्यून है, मैं धीरे धीरे कवर करूँगा। मैं डायरेक्टली चैप्टर 8 में जंप नहीं कर सकता हूँ, मेरा प्रॉब्लम समझो आप। मैं जंप कर दूंगा आप खत्म हो जाएंगे सब लोग, आपको समझेंगे नहीं। तो थोड़ा अपने को इनिशियली स्टेडी एंड स्लो ही जाना पड़ता है टैक्स में, ठीक है। एंड बाद में ऐसा हो जाएगा कि इससे बहुत सारा हो रहा है। हाँ, तो ये मतलब सब्जेक्ट थोड़ा टेक्निकल है। चलो, एप्लीकेशन ऑफ इनकम वर्सेस डाइवर्जन ऑफ इनकम। चलो अभी दो लोगों का एग्जांपल लेता हूँ, एक है उन्नति का एग्जांपल ले रहा हूँ और एक है भूमिका एंड सारंग। यहाँ पे तीन स्टूडेंट्स हैं, उन्नति, भूमिका एंड सारंग, ध्यान दो सब लोग। आप तीनों का एग्जांपल ले रहा हूँ, इन दोनों ने मिलकर बुक लिखा है, उन्नति, सारंग एंड भूमिका। एग्जाम में कॉपी करने के 1001 तरीके। क्या लिखा है? एग्जाम में कॉपी करने के 1001 तरीके। और उस बुक की 10 मिलियन कॉपीज सोल्ड वर्ल्ड वाइड। इन्होंने इतने भारी तरीके लिखे हैं, 1001 तरीके एग्जाम में कॉपी करने के, और 10 मिलियन कॉपीज सोल्ड। और उसका रॉयल्टी जो उनका बन रहा है, अभी पब्लिशर ने बुक पब्लिश किया है, प्रिंट किया, उसने बेचा है, तो ये आपको रॉयल्टी देगा। ऑथर्स को रॉयल्टी मिलता है, तो इन तीनों को मिलने वाला रॉयल्टी है 5 लाख 5 लाख 5 लाख। तो भूमिका, सारंग एंड कौन था, उज्ज्वल आई थिंक, जो भी तीन लोग थे, उनको 5-5 लाख रॉयल्टी मिलने वाला था। टोटल 15 लाख रॉयल्टी मिलने वाला था। अभी जो वो पब्लिशर था, करेक्ट ना, तो पब्लिशर का नाम था पागल पब्लिशिंग हाउस। क्या नाम था पब्लिशर का? पागल पब्लिशिंग हाउस। उसने क्या किया, गलती से 15 लाख का रॉयल्टी भूमिका के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। एक्चुअली उसने क्या करना चाहिए था, 5 लाख भूमिका को, 5 लाख सारंग को एंड 5 लाख प्रांजल को देना चाहिए था। तीनों अकाउंट में 5-5 लाख बांटने चाहिए थे। उस बंदे ने एक ही अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दिया भूमिका के अकाउंट में। एंड फिर भूमिका ने क्या किया, उन दोनों को 5-5 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो 10 लाख एक्स्ट्रा भूमिका के अकाउंट में आया, वो उनका इनकम नहीं माना जाएगा, ये यहाँ पे लिखा है, क्योंकि उसका पैसा था ही नहीं। वो उसका इनकम तो 5 लाख ही था, जो उसका रॉयल्टी था। वो पब्लिशर जो था पागल पब्लिशिंग हाउस, वो रियल पागल था, उसने 15 लाख रुपए भूमिका अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। फिर भूमिका ने दोनों के अकाउंट में 5 लाख ट्रांसफर कर दिए। मतलब अल्टीमेटली सबको अपना अपना इनकम मिला। तो भूमिका के माइंड में क्वेश्चन आया कि अब ये मेरे इनकम में 15 लाख आएगा या 5 लाख। तो यहाँ पे लिखा है कि आपके अकाउंट में 5 लाख ही आएगा, क्योंकि आपका इनकम जो ड्यू हुआ था वो 5 लाख ही हुआ है। आपका इनकम जो ड्यू हुआ था वो कितना हुआ है? वो 5 लाख हुआ है, ठीक है। ये था पहला एग्जांपल। ये आपको समझा कि नहीं, मेरे को बताओ पहले। दीप्ति मैडम, डोनेशन किसी को भी देने दो, वो इनकम माना जाए, गवर्नमेंट दे, विपुल शाह दे या कोई भी दे। क्लियर है? चलो फटाफट लिखो, क्लियर है? नाउ अभी दूसरा एग्जांपल लेंगे, अपन लेंगे मयंक कोहली, इज अ कजिन ऑफ विराट कोहली, ठीक है। चलो अभी एग्जांपल ले रहा हूँ मैं मयंक कोहली का, इज अ कजिन ऑफ विराट कोहली। अभी देखो, मयंक कोहली जो है वो इंफोसिस में जॉब कर रहा है, ठीक है, एज अ कंपनी सेक्रेटरी, और उसका मंथली सैलरी 1 लाख रुपया है। उसने उनके अकाउंटेंट को बोला इंफोसिस के कि भाई जब भी ये 1 लाख रुपया मेरा सैलरी ड्यू होगा ना, उसमें से 10,000 रुपया किसी तू एनजीओ को ट्रांसफ़र कर। सो मयंक दिल का बड़ा दिल वाला है, वो लोगों को डोनेशन भयंकर देता है। तो उसने कहा कि मेरा सैलरी 1 लाख रुपया है ना, मैं 10,000 डोनेट करना चाहता हूँ। तो उसने इन्फोसिस के अकाउंटेंट को बोला कि भाई हर महीने तू जब मेरे को सैलरी देगा ना, तो 1 लाख में से 10,000 इस एनजीओ को ट्रांसफ़र करते जा एंड बचा हुआ 90,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते जा। अकाउंटेंट ने कहा ठीक है। तो ऐसे अप्रैल से चालू हो गया, हर मंथ 90,000 मयंक की इनकम में, 10,000 एनजीओ को ट्रांसफ़र किया। तो मयंक को एट द एंड ऑफ द ईयर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना था। अभी मयंक कन्फ्यूज़ हो गया
कि मेरा इनकम अभी मंथली 90,000 माना जाएगा या 1,00,000 रुपये माना जाएगा, क्योंकि मैंने तो 10,000 लिया ही नहीं है ना, 10,000 डायरेक्टली एनजीओ को गया है और मेरे अकाउंट में तो 90,000 आ गया है। तो ये जो प्रश्न है, ये जो सवाल है, ये जो डाउट है, ये जो शंका है, ये अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि मयंक का इनकम 1,00,000 रुपये माना जाएगा, क्योंकि वो ड्यू तो हुआ है ना, अकाउंटेंट ने जो पैसा ट्रांसफ़र किया वो इन्फोसिस के अकाउंट में से नहीं किया, मयंक के अकाउंट में से किया है। तो मयंक का जो 1,00,000 रुपये ड्यू हो रहा है उसमें से 10,000 जा रहा है। तो इनकम टैक्स ने बोला है कि तुमने ऐसे इनकम को डाइवर्ट भी किया ना तो भी तुम्हारा इनकम 1,00,000 रुपये माना जाएगा। अगर ऐसा अलाउ किया ना कि नहीं जो मिलेगा वही तुम्हारा इनकम, तो सब लोग एम्प्लॉयर को बोल देंगे कि ये मेरा किराना के बिल भर दे, दूध बिल भर दे, चाय का बिल भर दे, टपरी का बिल भर दे, मेरे हाथ में आ गया 15 रुपया। एंड फिर हम इनकम टैक्स बोलेंगे लो 15 रुपये टैक्स लो, तो इसमें तो इनकम टैक्स लूट जाएगा। इसलिए इनकम टैक्स ने बोला कि नहीं, तुम्हारा ड्यू तो 1,00,000 रुपये हुआ है ना मयंक, तो बोले तुम विराट कोहली के कजिन हो, तुमको 12,00,000 रुपये पे ही टैक्स देना पड़ेगा। सो बताओ इज दिस क्लियर और नॉट। तो ये यहाँ पे दिया है। क्लियर है? चलो नाउ अभी आपके लिए आज होमवर्क है, ये पॉइंट आपको पढ़ना है, ठीक है? एंड पॉइंट पढ़ने के बाद मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, एक रॉयल्टी का एग्जांपल दिया और एक एनजीओ का एग्जांपल दिया। तो इसमें से एक डाइवर्जन ऑफ इनकम है और एक एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, आपको आइडेंटिफाई करना है एंड कल सुबह मेरे को बताना है कि रॉयल्टी जो था वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है या डाइवर्जन ऑफ इनकम, मयंक का जो एनजीओ का एग्जांपल था वो एप्लीकेशन है या डाइवर्जन ऑफ इनकम। तो ये आप पूरा पढ़ोगे एंड कल सुबह आप मेरे को इसका आंसर दोगे। सो दिस इज द फर्स्ट होमवर्क। चलो आगे बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड पीटर, तुम मेरे से थोड़ा आगे भाग रहे हो, ठीक है ना? तो ट्रस्ट क्या करेगा ये मैं आपको चैप्टर 3 में बताऊंगा, क्योंकि ट्रस्ट के लिए इनकम एग्जेम्प्ट है सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस। वो कंडीशन मैं आपको चैप्टर 3 में डिस्कस करूंगा। एंड उसके पहले जानना है तो यू कैन कम डाउन टू माय ऑफिस, आई विल टेक प्रोफेशनल फी एंड आई विल एक्सप्लेन एंटायर कॉन्सेप्ट। चलो नाउ नेक्स्ट 3 इंपॉर्टेंट वर्ड आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। पहला वर्ड है एग्जम्पशन, दूसरा है डिडक्शन एंड तीसरा है रिलीफ। ये वर्ड मेरे सब्जेक्ट में बार बार आएंगे। कौन से 3 वर्ड? एग्जम्पशन, डिडक्शन, रिलीफ, ठीक है ना? अभी इन तीनों में टेक्निकल डिफरेंस क्या है ये अपने को समझना है। जनरल डिफरेंस तो आपको, जनरल मीनिंग इसका क्या है, जो मेरे लिए हो रहा है वो फायदा है ना। हम बोलते हैं ना मेरे को एग्जम्पशन मिल गया, मेरे को डिडक्शन मिल गया, मेरे को रिलीफ मिला। क्या रिलीफ मिला? कि कल क्लास को छुट्टी है, एग्जाम्पल है नहीं, क्लास है कल, करेक्ट ना? तो एग्जम्पशन, डिडक्शन एंड रिलीफ, इसका मतलब है कि मेरा फायदा हो रहा है। बट इन तीनों फायदे में फर्क क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एग्जम्पशन का मतलब है, इनकम टैक्स में एक चैप्टर 3 है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन 10। इनकम टैक्स ने एक लिस्ट बना के रखा है कि अगर आपका इनकम उस चैप्टर 3 में आता है तो वो एग्जम्प्ट है। तो एग्जम्पशन का मतलब है ये बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट करके रखा है। इसलिए मैं आपको टैक्स रिलेटेड आंसर नहीं दे रहा था। उसका रीज़न क्या है, जब अपन चैप्टर 3 पढ़ेंगे ना उसमें पूरा लिस्ट मैंने दिया है कि भाई पूरे इनकम टैक्स एक्ट में ये इनकम एग्जेम्प्ट है, ये छोड़ के कोई भी इनकम आता है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये छोड़ के कोई भी इनकम आता है तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। आपको टैक्स क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो वैसा है, तो एग्जम्पशन जो है वो सेक्शन 10 में दिया है। वो बहुत बड़ा लिस्ट है, लगभग 50-60 इनकम है जिसको गवर्नमेंट ने, तो ये बाय डिफॉल्ट एग्जम्पशन है, ये सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, माय स्टूडेंट सलमान खान, शाहरुख खान, सबके लिए है, करेक्ट ना? सभी जितने मेरे छोटे मोटे स्टूडेंट्स हैं सबके लिए है, मिस्टर मुकेश भाई अंबानी, रिलायंस, टाटा, सभी के लिए। एंड डिडक्शन का मतलब क्या है? डिडक्शन इज अ टैक्स प्लानिंग टूल। इफ यू वॉन्ट टू सेव टैक्स
देन यू कैन इन्वेस्ट इन सर्टन सिक्योरिटीज एंड यू कैन सेव टैक्स. सो डिडक्शंस आर ऑप्शनल, वो सभी को नहीं दिए जाते, उसके लिए कुछ कंडीशंस है. आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा. तो एग्जम्पशन डिडक्शन दोनों से आपका इनकम कम होता है. एग्जम्पशन गवर्नमेंट ने सबको दे दी है, एग्जम्पशन सर एप्लीकेबल टू ऑल द एसएससी. डिडक्शंस के लिए कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन फुलफिल की तो आपको मिलेगा, ये सबको फुकट में नहीं मिलेगा, उसके कुछ कंडीशंस है. सो दोनों से इनकम बचता ही है. तो ये चैप्टर थ्री में दिया है, इसका सेक्शन 3-10 है, और ये चैप्टर 11 में दिया है. तो एग्जेम्प्टेड इनकम इज कवर्ड बाय चैप्टर 3, डिडक्शंस आर कवर्ड बाय चैप्टर 11. यहाँ पे सेक्शन 10 है, यहाँ पे सेक्शन 80C to 80U है. बस अभी इतना ही लर्न करना है. तो आई कंक्लूड दिस टू पॉइंट्स. एग्जेम्प्शंस आर बाय डिफॉल्ट प्रोविजंस विच आर इनहेरेंट इन द लॉ, जहाँ पे गवर्नमेंट ने सबको बेनिफिट दिया कि अगर आपके ये इनकम है तो आपको एक रुपये टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. एंड डिडक्शंस, जो इनकम आपका बचता है उसमें आपको अगर और टैक्स बचाना है तो यू कैन इन्वेस्ट देयर इन एंड यू कैन टेक बेनिफिट. तो ये आपको पैसा देना पड़ेगा तब आपका टैक्स बच जाएगा. पैसा मतलब आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना, जो रिटर्न्स आपको बाद में मिलेंगे, बट इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा. जैसे LIC आपको पता रहेगा, अगर LIC का प्रीमियम देते हैं तो आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है, वो यही है. ठीक है. एंड तीसरा जो वर्ड है वो है रिलीफ. नाउ व्हाट इज रिलीफ, ध्यान से सुनना. एग्जम्पशन डिडक्शन, एग्जम्पशन एंड डिडक्शन रिड्यूसेस इनकम. आई रिपीट, एग्जम्पशन डिडक्शन रिड्यूसेस इनकम, रिलीफ रिड्यूसेस टैक्स लायबिलिटी. रिलीफ रिड्यूसेस टैक्स लायबिलिटी मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने आपको दो तरह से बेनिफिट दिए हैं. इनकम कम करने के लिए सेक्शन 10 है और सेक्शन 80C to 80U है, जिससे आपका इनकम कम हो जाएगा, फिर आप उसके ऊपर टैक्स निकालोगे ना. कुछ लोगों को टैक्स में भी गवर्नमेंट ने छूट दी है, वो उसको बोलते हैं रिलीफ. अभी वो कहाँ पे दिए, कैसे दिए, अपन धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे. करेक्ट ना. तो ये मेरा सब्जेक्ट ही ऐसे है, आपको बहुत सारे डाउट्स आते हैं, एडवांस डाउट्स, और वो जेन्यून है. बट दोस्तों मेरा प्रॉब्लम, मैं अभी वहाँ पे डायरेक्टली जंप नहीं कर सकता. और अभी आप बताओ, मैं चैप्टर 11 में डायरेक्टली जंप नहीं कर सकता हूँ, चैप्टर 3 में डायरेक्टली नहीं जा सकता हूँ, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा. मैं चला जाऊँगा बट आप खड्डे में गिर जाओगे, ऊपर नहीं आ पाओगे. तो अपन आराम से जा रहे, चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा. आफ्टर 4 मंथ्स यू विल बिकम चैंपियन इन टैक्स, दैट इज माई गारंटी. चलो, तो ये आपको आज घर पे पढ़ना है सिंपल पॉइंट से. चलो, यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट. डाउट है तो बोलो, नहीं तो क्लियर बोलो, मैं आगे बढ़ता हूँ. फिर चलो क्लियर है. ओके, नाउ अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है शिव. एग्जम्पशन का मतलब है गवर्नमेंट ने बोला है कि इस इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना है, उसको बोलते हैं एग्जम्पशन. एग्जम्पशन मतलब जो बेनिफिट लॉ ने आपको प्रोवाइड किए कि अगर तुमको ये इनकम मिलता है तो उस पर टैक्स नहीं आएगा, उसको बोलते हैं एग्जम्पशन. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हेड्स ऑफ इनकम एंड सोर्स ऑफ इनकम. हेड्स ऑफ इनकम एंड सोर्स. अच्छा, हेड्स ऑफ इनकम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. बोलो कितने हेड्स ऑफ इनकम है. 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGPP, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स. आज का नया वर्ड है सोर्स ऑफ इनकम. ध्यान दो, क्या सोर्स ऑफ इनकम. चलो मैं आपको मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ. आई एम गेटिंग रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी. तो मेरा जो रेंटल इनकम है वो कौन से हेड में आएगा, इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये तो आपको पता है. ठीक है, अभी
यस आजेश, आप तीनों एक साथ क्लेम कर सकते हैं। इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, एग्जम्पशन, डिडक्शन, रिलीफ, आप तीनों एक साथ क्लेम कर सकते हैं, कोई अड़चन नहीं है। बस उसके जो रिस्पेक्टिव कंडीशन है वो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, अदरवाइज देर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन आ गए ना तो अच्छा लगता है आंसर देने के लिए। सो आजेश ने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। नाउ अभी मेरे तीन प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, सुनो, मेरे तीन प्रॉपर्टी पुणे में, दिल्ली में मैंने आपको एक बताया था, एक आगरा में भी है, और यूएसए में वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस, ये मेरे तीन चार छोटे छोटे प्रॉपर्टीज है। अब ये हर एक प्रॉपर्टी से मेरे को रेंट आता है, करेक्ट ना, तो इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ इनकम। भूमिका को डाउट लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, भूमिका तुम व्हाट्सअप करो, मैं तुमको उसके 7-12 देता हूं जहां पे मेरा नाम लिखा है। तो इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ इनकम। सो हेड कैन बी ओनली वन, सोर्स कैन बी मोर देन वन। तो अगर आपको तीन प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है तो हर एक प्रॉपर्टी आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम है। फाइनल कंक्लूजन, सोर्स इज अ पार्ट ऑफ हेड ऑफ इनकम, सोर्स इज अ पार्ट ऑफ हेड ऑफ इनकम। जैसे आप दो जगह पे जॉब कर रहे हो तो एवरी एम्प्लॉयर इज अ सोर्स ऑफ इनकम। तो सोर्स ऑफ इनकम कैन बी मोर देन वन, हेड कैन बी ओनली वन। आपके पांच अलग अलग बिजनेस है तो हर एक बिजनेस आपके लिए होगा सोर्स, एंड उन सबको मिला के बनेगा हेड ऑफ इनकम। ठीक है, जैसे फैमिली का हेड एक होता है और फैमिली मेंबर बहुत सारे होते हैं, बस सेम कॉन्सेप्ट है। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट जब मैं वर्ड यूज करूंगा सोर्स, जब मैं बोलूंगा हेड, आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि सोर्स का मतलब क्या होता है और हेड का मतलब क्या होता है। हाँ रोहित, मैं हर सैटरडे संडे जाता हूँ व्हाइट हाउस में, इस सैटरडे जाके मैं तुमको फोटो भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। चलो नाउ, सैलरी इज अ हेड ऑफ इनकम, यशश्री। सोर्स मतलब अगर आप दो जगह पे, तो सैलरी जिस एम्प्लॉयर से आपको मिल रहा है वो सोर्स ऑफ इनकम है। तो अगर आप दो जगह पे पार्ट टाइम काम कर रहे हो, एम्प्लॉयर वन एम्प्लॉयर टू, तो दोनों आपके लिए होंगे सोर्स ऑफ इनकम। जो लोग हंस रहे हैं ना उनको मैं इस बार फोटो भेज दूंगा, है ना, मैं फोटो एडिट करके लेता हूँ और आपको भेज देता हूँ। अभी मेरे बंदे को बोलता हूँ कि फोटोशॉप पे फोटो एडिट कर एंड आपको भेज देता हूँ। चलो नाउ, अभी मैं आपको, मैं जो लिख के दे रहा हूँ वो आपको लिखना है, ध्यान दो। ये जो SSC है वो इनकम अर्न करता है, SSC क्या करता है, इनकम अर्न करता है। अंजलि, इससे ज्यादा जूम नहीं हो पाएगा। अच्छा, अभी इनकम पे वो देता है टैक्स, SSC जो अर्न करता है उसको बोलते हैं इनकम, उस इनकम पे वो देता है टैक्स। नाउ इंडिया में जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें आपको इन एडिशन टू इनकम टैक्स आपको और दो चीजें देनी पड़ती है, इन एडिशन टू इनकम टैक्स आपको और दो चीजें देनी पड़ती है। एक होता है सरचार्ज एंड दूसरा होता है स्क्रीन विजिबल नहीं है, एक मिनट है, मैं चेक करता हूँ, जस्ट गिव मी वन मिनट। एक मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ।
हाँ अभी आ गया, थोड़ा लूज हो गया था। हेलो हाँ चलो अभी आ गया, लिख लो। स्क्रीन गायब हो गया था सडनली। चलो सो देखो लिख लो फटाफट। आप एसएससी हो, आपको इनकम मिलता है, इनकम पे आता है टैक्स, और इंडिया में टैक्स के साथ और दो चीज़ें दी जाती है आपको देना पड़ता है, वो एक है सरचार्ज और एक है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ये दोनों क्या होता है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, घाई मत करो, पहले मेरे को एक्सप्लेन करने दो, देन आप क्वेश्चन फेंक सकते हैं। पहला, ये जो टैक्स है ये इनकम पे देना पड़ता है, ये जो टैक्स है इट इज़ ऑन योर इनकम, ठीक है। देन जो सरचार्ज है, सरचार्ज इज ए टैक्स ऑन टैक्स, सरचार्ज इनकम पे नहीं लगता है, सरचार्ज इज ए एडिशनल टैक्स पेबल बाय रिच पर्सन। इनकम टैक्स अपने पढ़ा था ना प्रोग्रेसिव इन नेचर, तो जैसे आपका इनकम बढ़ता है ना गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगता, तो आपसे वो और ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करती है, करेक्ट ना। तो सरचार्ज इज ए एडिशनल टैक्स पेबल बाय रिच पर्सन। रिच पर्सन का डेफिनेशन ये है जिसका इनकम 50 लाख के ऊपर है, और ये मैं आपको कल से पढ़ाने वाला, थोड़ा पेशेंस रखो। तो सरचार्ज अभी बस थ्योरी समझ लो, कल से न्यूमेरिकल से करना है, हो गया, आज लास्ट लेक्चर है थ्योरी का, कल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। सो सरचार्ज इज ए एडिशनल टैक्स, तो आप अगर रिच बनते हो ना तो गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगता, तो आपसे ज़्यादा टैक्स ले जाता है इन एडिशन टू इनकम टैक्स, है ना। ये है, एंड ये जो सेस है ये सबको देना पड़ता है, इट इज ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज। मतलब इंडिया में तीन स्ट्रक्चर टैक्स लेवल है, मतलब तीन तरह से, दो तरह से टैक्स का स्ट्रक्चर बनेगा। देखो, अगर आप उतने रिच नहीं हो तो आपको दो चीज़ें देनी पड़ेंगी, एक टैक्स देना पड़ेगा और एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। एंड अगर आप अमीर हो, अगर आपका इनकम 50 लाख के ऊपर है सालाना, तो आपको तीनों देना पड़ेगा, टैक्स भी देना पड़ेगा, सरचार्ज भी देना पड़ेगा, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा। सो इन सिंपल वर्ड्स, तो ऐसे दो तरह से आपको चीज़ें देनी पड़ेंगी, या तो टैक्स प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो जिनका इनकम 50 लाख के अंदर है उनको ये दो चीज़ें देनी है, जिनका इनकम 50 लाख के ऊपर है गवर्नमेंट को रिच आदमी माना है। अगेन स्क्रीन चला गया, आगे आगे, ठीक है, हो गया, शायद थोड़ा वायर लूज हुआ है। सो ये आपको तीनों देना पड़ेगा, नाउ इट्स विजिबल अगेन। अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन, बिकॉज उसको अल्ट टैप करो, मेरे को नहीं 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 हाँ बस ये ऐसे रहे, मेरे को समझ में आता है स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। लिख लो, तो मैं मीनिंग बताता हूँ, तो आप ये पहले दिमाग में फिट कर दो कि कल से अपन जब टैक्स कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, तो अगर आपका इनकम 50 लाख के अंदर है तो आपको खाली टैक्स एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना है, एंड 50 लाख के ऊपर है तो तीनों देना है, टैक्स, सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। पॉइंट नंबर टू, इनकम पे खाली टैक्स लगता है, बाकी जो सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है ये दोनों टैक्स पे लगता है। तो दीज आर द टैक्स ऑन टैक्स, दीज आर नॉट ऑन इनकम, दीज आर नॉट ऑन इनकम, पॉइंट बी नोटेड बाय एवरी स्टूडेंट। खाली इनकम टैक्स जो है वो इनकम पे लगता है, बाकी जो एडिशनल टैक्सेस है, जो सरचार्ज है एंड जो हेल्थ एंड एजुकेशन है, वो दोनों टैक्स पे लगता है, वो दोनों टैक्स पे लगता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है क्या बताओ पहले, फिर मैं आपको इन दोनों का मीनिंग बताता हूँ, उसका लॉजिक बता दो, पहले स्ट्रक्चर दिमाग में फिट कर लो कि कैलकुलेशन करते समय क्या आपको ध्यान में रखना है। इनकम के ऊपर एसएससी लिखा है,
इनकम के ऊपर ऐसे से लिखा है, थोड़ा ये लेट दिखा रहा है, ये दिखा नहीं रहा जो मैंने लिखा है, मेरे स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो वहां पे नहीं दिख रहा है। देखो अभी स्क्रीन पे दोनों दिखना चाहिए। ओके दोस्तों एक काम करते हैं, अपन ये लेक्चर यहीं पे रोक देते हैं, सम टेक्निकल इशू आ रहा है, आई डोंट नो आपको स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे अपन लेक्चर रोक देते हैं, कल 10 बजे मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? सो जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं देखता हूँ क्या एग्जैक्टली इशू है। अगेन थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन, एंड जो पेंडिंग पार्ट है मैं आपके लिए कल पूरा रिपीट करता हूँ। थैंक यू सो मच, डोंट वरी, कर दो स्टॉप।